नमस्कार दोस्तों, 31 अक्टूबर तक सभी आईपीएल की टीमों को अपनी आईपीएल के रिटेंशन की लिस्ट बीसीसीआई को सौंपनी है। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि क्या ऋषभ पंत की अब दिल्ली कैपिटल से विदाई होनी तय है और किस टीम में होगी केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की एंट्री। जी हाँ, ये तीन बड़े खिलाड़ियों को लेकर खबरें सामने निकल कर आ रही है। तो क्या है पूरी खबर, आगे जानिए इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आईपीएल से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऋषभ पंत को लेकर बड़ी खबर आई है कि पंत दिल्ली कैपिटल के साथ खुश नहीं है। जी हाँ, और अब अपने इस सफर को आगे लेकर जाने के लिए पंत तैयार नहीं है, क्योंकि बता दें कि सौरभ गांगुली की भी दिल्ली की टीम से छुट्टी हो चुकी है, इनको भी डीसी की टीम ने हटा दिया है। जी हाँ दोस्तों, और वहीं अब ऋषभ पंत भी डीसी की तरफ से नहीं खेलने वाले हैं, क्योंकि आईपीएल 2025 में ऋषभ पंत किसी और टीम के साथ खेलते हुए दिखने वाले हैं, जिसमें अब खबर ये भी आ रही है कि क्या सीएसके की टीम से खेलते हुए दिख सकते हैं ऋषभ पंत। जी हां दोस्तों, वहीं दूसरी खबर की बात करें तो एलएसजी की टीम से भी केएल राहुल को रिलीज कर सकती है। केएल राहुल भी नई टीम से खेलते हुए दिखने वाले हैं। बता दें कि केएल राहुल अपनी पुरानी टीम आरसीबी के साथ जोड़ सकते हैं। वहीं तीसरी खबर बात करें तो श्रेयस अय्यर भी केकेआर का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि केकेआर ने श्रेयस अय्यर को एक नंबर पर रिटेन नहीं किया है। जी हां दोस्तों, क्योंकि एक नंबर पर केकेआर ने आंद्रे रसेल को रिटेन करने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या श्रेयस अय्यर आईपीएल 2025 में केकेआर से खेलेंगे या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद।